नमस्कार, मैं कीर्तिया, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर स्थानीय स्थित हनुमान झोड़ी धाम नरसिंह मंदिर में हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति डाली और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं महंत चंदा जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने जीवन में अपनाने की बात भी कही। इस अवसर पर महंत चंदास महाराज ने कहा कि आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्प स्थापित कर जयंती मनाई गई है। उन्होंने कहा कि आज हवन यज्ञ भी किया गया, साथ ही उन्होंने बताया कि आज भंडारे का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने भगवान राम के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर तपस्या के महत्व को समझाया और मानवता के लिए अपने संदेशों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने सदियों तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल्य धरोहर बने रहेंगे। सामाजिक समानता एवं सद्भावना से संबंधित महर्षि वाल्मीकि के विचार आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुति भी डाली। महर्षि वाल्मीकि जयंती का ये दूसरा दिन है और आज भगवान वाल्मीकि जी को पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो उनका अनुयायी है, जो मैं मानता हूँ सनातन धर्म में है, वो सब लोग मानते हैं। जगह जगह इस प्रकार का सद्भाव का एक माहौल बन रहा है। लोग वाल्मीकि मंदिरों में जा करके भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान के जो कीर्तन है, वो यात्राएं हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं और मंदिरों में भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, जिससे ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ करना है अपने संतों के लिए, अपने महंतों के लिए, ऋषियों के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने संस्कारों के लिए। हर आदमी की जिम्मेवारी है तो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये आदि पुरुष हैं, आदि कवि हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के एक भगवान पर एक जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, आदि कवि तो थे। उससे पहले जब भगवान का जन्म नहीं, उससे पहले उन्होंने पूरा रामायण को लिख दिया। तो ऐसे ऋषियों को हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनके विचारों को धारण भी करें, उनके जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी संस्कार हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज में लेकर के जाएं। बहुत बड़ी बात है, आदि हमारे जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो जीवन है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं सही दिशा में जाने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा इकाई के संगठनों में बदलाव करते हुए पार्टी सांसद नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष और ओम प्रकाश धनकर को राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर शनिवार को विधायक घनश्याम सराफ ने अपने कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुंह मीठा किया। वह दोनों नियुक्तियों पर खुशी मनाई। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरियाणा इकाई के संगठनों में बदलाव करते हुए पार्टी सांसद नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जबकि अभी तक इस जिम्मेदारी को संभाल रहे ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। घनश्याम सराफ ने दोनों नियुक्तियों पर पार्टी कमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़, जो इससे पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, दो बार भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2011 से 2015 तक और फिर हरियाणा सरकार में 2014 से 2019 तक कृषि मंत्री भी रहे। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी की प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं व पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं भी दी और उनके चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। संगठन में बदलाव किया गया और राष्ट्रीय संगठन में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी धनखड़, उनको प्रमोशन करके राष्ट्र की टीम में भेज दिया और महामंत्री उनको बनाया गया। हमारे सांसद थे कुरुक्षेत्र से, उनको ये एक नई बिसात खेलने का मौका दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये अपनी बातें सबके सामने रखेंगे। इनका इतना मृदु स्वभाव है कि ये कल्पना नहीं कर सकते कि इन्होंने जिस टाइप से लेबर के क्षेत्र में काम किया वो अति सराहनीय था। आज ये पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, मैं इनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, इनका अभिनंदन भी करता हूँ। क्योंकि अभी राजस्थान से ये चुनाव से वापस नहीं आए थे, उससे पहले ही पार्टी ने यह आदेश जारी कर दिया और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए। हमारा प्रदेश का संगठन और राष्ट्रीय संगठन, ये दो ऐसे मंच हैं जिसमें जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी थे, उनका दिल्ली में महामंत्री के रूप में पदार्पण कर दिया है और हमारे हरियाणा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वे
माननीय नायब सिंह देसैनी उनका स्वागत किया गया है। जी की सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ। उनकी जयंती के अवसर पर आज हमारे कार्यालय में एक जयंती संयोजक के रूप में हमारे साथियों ने सहयोग किया और भगवान वाल्मीकि जी एक ऐसे अवतरण हुए हैं जिन्होंने सारी जो रामचरितमानस की कथाएं थी उन्होंने पहली राम कथा उनने लिखी है और उनके आश्रम में माता सीता ने अपने पर दी। हम अपना तक वो वाल्मीकि और करें देश। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले से पूरे हरियाणा के अंदर विशेषकर युवाओं के अंदर और पिछड़ा वर्ग के अंदर बहुत ही खुशी की, क्योंकि पार्टी का यह दिया है कि जो चुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो निर्णायक भूमिका रहनी है वो ओबीसी समाज की रहनी है। तो इसी जन भावनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने नायब सैनी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। एक खत जिसने हरियाणा पुलिस की नींद उड़ा दी। खत में हरियाणा में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद अलग अलग स्टेशन पर पुलिस कर्मी तैनात हो गए हैं। इसी कड़ी में भिवानी में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने लोगों के बैग चेक किए और लोगों को सुरक्षा को लेकर विशेष हिदायतें भी दी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भिवानी में आज चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कर्मियों ने लोगों के बैग चेक किए, साथ ही लोगों को समझाया भी कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके बारे में पहले पुलिस विभाग को सूचना दे। जगाधरी में जो लेटर मिला है उसमें करनाल, जगाधरी, पानीपत, अम्बाला कैंट समेत कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन पुलिस किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहती है। इसलिए पहले के मुकाबले पुलिस की मुस्तैदी स्टेशन पर और ज्यादा बढ़ गई है। आज एक तो त्योहारी सीजन हमारा आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए और जो अलर्ट जो आया है यमुनानगर से उसको मद्देनजर रखते हुए गहनता से चेकिंग ज्वाइंट हमारी संयुक्त टीम बना के कर रहे हैं, जिसमें आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है, आईबी भी है, सीआईडी भी है और हमारी स्थानीय पुलिस भी है। तो सर आज गाड़ियां भी हाँ चेकिंग कर रहे हैं, जो भी संदिग्ध लगता है उसकी गहनता से चेकिंग कर रहे हैं। अब तक कोई ऐसा संदिग्ध जो चेकिंग में नहीं मिला है, फिर भी अलर्ट है और लगातार चेकिंग कर रहे हैं। सर ये चेकिंग सरकार की टीम में हम अलग अलग समय बनाकर स्थानीय उसमें भी जहाँ भी हमें लगता है भाई यहाँ चेकिंग की जरूरत है वहाँ कर रहे। सर नहीं, स्थानीय व्यक्ति को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनको यदि कोई उन्हें संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध कोई वस्तु दिखाई देती है वो पुलिस को सूचना दें और इस बात किसी प्रकार की घबराए नहीं और न ही ऐसी वस्तु को कोई छूए जो उन्हें संदिग्ध लगे। दीपावली और छठ पूजा के उपलक्ष्य में या गाड़ियों में अधिक भीड़ के मद्देनजर और राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के आदेश अनुसार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्ति वस्तु पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरे स्टेशन को निगरानी की जा रही है। यमुनानगर स्टेशन पे कुछ इस तरह का पत्र मिला था जहाँ पे इसका मामला दर्ज हुआ है और उसके नजर मद्देनजर हरियाणा के पड़ने वाले मेन मेन स्टेशनों पर स्टेशन जिला पुलिस की, स्थानीय की, जीआरपी पुलिस की, आरपीएफ की, आईबी की, सीआईडी की एक संयुक्त टीम ने काम किया है जो ये एक त्योहारी सीजन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सर्चिंग की जा रही है और आम जनता को सर्चिंग के दौरान सुझाव भी दिया जा रहा है, अपील भी की जा रही है कोई भी संदिग्ध चीज दिखे या कोई ऐसी संदिग्ध कोई व्यक्ति आपको नजर आए तो उस बारे में तुरंत जगह जगह पर जो सरकारी नंबर हमारे लिखे गए हैं डायल 112 है उसको सूचित करें ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटने से पहले समय रहते तो उस पर काबू किया जा सके। सर रेलवे स्टेशन देखिए ये पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ स्टेशनों को उड़ाने बारे धमकी भरा पत्र मिला है, अभी तक इस बारे में कोई पत्राचार हमें नहीं मिला है, नहीं अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट कह सकते ये मामला सही है या किसी शर्त तत्वों ने वैसे श्राद्ध करने के लिए डाला गया है इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। और लेकिन त्योहारी सीजन चल रहा है, त्योहारी सीजन पर हर बार रेलवे स्टेशन है, धर्मशाला है, सुनसान जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति का आना जाना कम होता है या जहाँ पर रात्रि के समय रोशनी अपूर्ण होता है, आम आदमी के जाने से डर लगता है इस प्रकार।
शाम रोड पर स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं विद्यालय में 11 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत भगवान वाल्मीकि के समक्ष द्वीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यशाला में 6 अलग अलग विधाओं में बच्चों को निपुण किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्वर संगम कोलकाता की प्रभारी श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती ने पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके बच्चों को उनके बताए सिद्धांत पर अपनाने का आह्वान किया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कौशिक ने श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती जी और उनके साथ पहुंची 8 सदस्यीय टीम का स्कूल में पहुंचने पर फूल मालाओं व सम्मान पटिका के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही विद्यालय में 11 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत भगवान वाल्मीकि के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की गई और 7 नवंबर तक यह कार्यशाला चलेगी। इस कार्यशाला में 6 अलग अलग विधाओं में बच्चों को निपुण किया जाएगा। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पाश्चात्य नृत्य, टेक्सटाइल आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग और कैलीग्राफी में बच्चों को पारंगत किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। पर्व विद्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा स्थापित आदर्शों के बारे में बताया गया है, उनके द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं के बारे में बताया गया है और इस पुण्य अवसर के ऊपर TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन स्वर संगम कोलकाता के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन के अंतर्गत तकरीबन 7 विधाओं में बच्चों को 350 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये विधाएं हैं कंटेम्प्रेरी डांस, वेस्टर्न डांस, कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। इन विधाओं में बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। इसमें TIT स्कूल के बच्चे जो कि इन व्यवस्थाओं के साथ नहीं चल पाते, उनको सिखाया जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो ट्रेनर्स आ रहे हैं कोलकाता से स्वर संगम की तरफ से, वे ट्रेनर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। इस एग्जीबिशन का समारोह 7 तारीख को और फाइनल प्रेजेंटेशन 7। मेरा नाम यशिका है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में 11 डेज की वर्कशॉप लगी है, नाम है स्वर संगम। उसमें हमें आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्सटाइल, वेस्टर्न डांस, कंटेम्प्रेरी डांस सिखाया जा रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट, कंटेम्प्रेरी डांस, और आज हमारा फर्स्ट डे है, हमने उसे बहुत इंजॉय किया है। मेरा नाम रीता है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मैं TIT सीनियर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ 11 डेज की वर्कशॉप लगी है स्वर संगम कोलकाता। हमें इधर कैलीग्राफी, टेक्सटाइल, कंटेम्प्रेरी डांस, वेस्टर्न डांस, फोक डांस, हमें सब सिखाया जाता है और आज हमारा फर्स्ट डे है। हमें जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के सेवा भाव से शनिवार को स्थानीय प्रजापति धर्मशाला में दक्ष प्रजापति समिति द्वारा कैंसर मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा की अगुवाई में किया गया। शिविर में 81 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन मामन चंद प्रजापति और शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा उपस्थित रहे। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मामन प्रजापति व शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि कई बार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों या गर्भवती महिलाओं को रक्त की कमी की समस्या झेलनी पड़ती है। ऐसे में इस प्रकार लगाए जाने वाले रक्तदान शिविर उन जरूरतमंद व्यक्तियों की जान बचाने में लाभकारी साबित होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रक्तदान जैसे महापुण्य के कार्य में भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त को कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, यह इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। इसकी आपूर्ति का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ऐसे में किसी जरूरतमंद की मदद के लिए रक्तदान ही एकमात्र जरिया है। इस मौके पर शिविर के आयोजक बबलू प्रजापति व मनीष प्रजापति व समिति के अन्य सदस्यों ने कहा कि देश में रक्त के अभाव में हर वर्ष लाखों लोगों की जान चली जाती है। जान गंवाने वालों में सड़क हादसों में घायल, गर्भवती महिलाएं तथा वो गरीब लोग होते हैं जो समय पर रक्त उपलब्ध नहीं करवा पाते या खरीद नहीं पाते। ऐसे में इस प्रकार के शिविर जरूरतमंदों के लिए जीवन दान साबित होते। श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल हमारे रक्तवीर राजेश जुड़ेजा, जो बड़े भाई है, जो भिवानी की शान है और इन्होंने एक इतिहास बनाया है
और ये हमेशा युवाओं को जागरूक करके बार बार रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं और हम बार बार यही कहते हैं कि सभी युवाओं को आगे आकर अपना रक्तदान देना चाहिए, क्योंकि एक बार रक्तदान करने से किसी की जान बचाई जा सकती है। और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है दक्ष प्रजापति सेवा समिति द्वारा सभी युवा टीम हमारी और जो बुजुर्ग हमारे दक्ष प्रजापति सेवा समिति के सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि यहाँ पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जाए। और आज भारी संख्या में आपने देखा कि यहाँ पर सभी आगे बढ़कर बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान कर रहे हैं। प्रजापति सेवा समिति द्वारा की युवा टीम ने मेरे से संपर्क किया है काफी समय से कि हम रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं रोहित और दीपांशु में। इनकी पूरी टीम ने इन बच्चों का जो दक्ष प्रजापति सेवा समिति की टीम ने पूरा सहयोग दिया और कैंप लगाने का निर्णय किया। ये कैंप भारतीय एम्स द्वारा कैंसर मरीजों की सहायतार्थ लगाया जा रहा है, जो भिवानी जिले में कैंसर के लगभग 20,000 समथिंग मरीज जो वहाँ इलाज करवा रहे हैं बढ़ चुके हैं। तो मेरी लोगों से है कि घर का खाना खाएं, सलाद वगैरह खाएं ताकि कैंसर से बचें। यार श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति द्वारा कैंसर मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि दक्ष प्रजापति सेवा समिति में सारे युवा साथी हैं और बड़ी लगन और मेहनत से आज उन्होंने ये काम किया है। और युवा बुजुर्ग इवन देन महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा ले रही हैं और ये जो ब्लड डोनेशन है ये कैंसर पीड़ितों के लिए काम आएगा। जी हमारे श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति की तरफ से मेरी ये पूरी टीम है जिसमें हमारी टीम ने बढ़ चढ़ कर ये निर्णय लिया कि आज से एक धार्मिक काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक धार्मिक काम इसलिए शुरू किया गया, ब्लड कैंप से शुरू किया मैं, क्योंकि समाज में जो भी कोई काम होगा हम ब्लड कैंप से शुरू किया, क्योंकि हर बार कोई ना कोई कैंप लगाते रहेंगे। और हमारी समिति ने ये कहा है कि रक्तदान महादान है, क्योंकि रक्तदान देने से आदमी का जीवन दान मिलता है, क्योंकि खून की जरूरत हर जगह जरूरत होती रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम बढ़ चढ़कर कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम हो या समिति का समाज का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। शनिवार को स्वर्णकार सेवा परिषद जिला भिवानी प्रबंधक समिति और स्वर्णकार सभा भिवानी द्वारा क्रमश अंचल सदर नया बाजार और महाराजा अजमेर चौक पर महाराजा अजमेर जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं महाराजा अजमेर चौक पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। स्वर्णकार सेवा परिषद की जिला भिवानी इकाई के प्रबंध समिति के द्वारा शनिवार को अजमेर जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नया बाजार स्थित अंचल सदन में परिषद पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संपूर्ण स्वर्णकार समाज को आज इस अजमेर जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महाराज अजमेर जी स्वर्णकार समाज के पुरखा पुरुष हैं और मैं माननीय मनोहर लाल जी का भी आभार प्रकट उन्होंने अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी की भी घोषणा की। मैं उनको एक बात और जो है कहना चाहूँगा और उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि विश्वकर्मा योजना के तहत उन्होंने जो 2,00,000 रुपये तक का लोन भी स्वर्णकार समाज के बच्चों को देने के लिए कहा, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और मैं स्वर्णकार समाज को एक और कहना चाहूँगा, महाराजा अजमेर जी का ये जयंती समारोह इस साल में एक बार मनाते हैं जिसमें सारा हमारा स्वर्णकार समाज साथ है और ये बहुत ही उत्तम अवसर होता है जिसमें हम चिंतन करते हैं कि समाज के अंदर हमें क्या देना है और कैसे प्रगति करनी है। और मैं सरकार का इस बारे में बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हमारे अजमेर जयंती को सरकार ने आज छुट्टी का दिन घोषित किया है। इसके लिए सरकार के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं और हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए और समाज को उन्नत करने के लिए हमारा सारा समाज एकत्रित होता है। वो एकत्रित होकर के हम चिंतन करते हैं कि हमें किस प्रकार बच्चों को रोजगार देना है, किस प्रकार शिक्षा देनी है, किस प्रकार। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया इन्होंने और मैं मोदी गवर्नमेंट और श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में अब सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। अब हमारे समाज में बाकी बिरादियों को भी पता चलेगा कि हाँ अजमेर जयंती भी है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भी छुट्टी हो रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी गवर्नमेंट का, खट्टर जी का, और साथ में
भिवानी स्वर्णकार सेवा परिषद जी ने, और इसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अजमेर चौक पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 36 बिरादरी के नागरिकों को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। पूर्वज महाराज अजमेर जी महाराज की हम जयंती मनाते हैं, सत पूर्णिमा को मनाई जाती है ये, और 1.25 महीने तक लगातार मनाई जाती है। इस रोज हमें सरदार बिरादरी के अलावा 36 बिरादरी के व्यक्ति खड़े होते हैं और समाज के उत्थान के लिए हम वचनबद्ध हैं कि जब भी हमारी कहीं को जरूरत पड़ती है हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। और आज हम अपने पूर्वज को याद करते हैं और इनके बताए हुए कार्यों पर हम चलने के लिए वचनबद्ध हैं। सभी सरकार भाइयों एकता का परिचय देते हैं, हर प्रकार से हर व्यक्ति की हम मदद करते हैं, यही हमारे पूर्वज का आदेश है। इस आदेश का हम पालन करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और हम गरीब बच्चों के लिए, गरीब औरतों के लिए, विधवाओं के लिए हर संभव जैसी हमसे बनती है हम उनका सेवा करते हैं। और किसी भी बीमार व्यक्ति को अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे हमारी संस्था तैयार रहती है। और शिक्षा के विषय में हम गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। भिवानी की महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कुराश चैंपियनशिप और 4 खिलाड़ियों ने नेशनल जूडो चैंपियनशिप में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। पदक विजेता सभी खिलाड़ियों का शनिवार को स्थानीय हनुमान गेट बैकुंठ धाम परिसर में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी के कार्यालय में पहुंचने पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के पदाधिकारियों व अन्य खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इन खिलाड़ियों की उपलब्धि पर अकादमी के कोच संदीप तंवर, अकादमी प्रधान सुरेश सैनी, कोषाध्यक्ष सुमित सैनी ने बताया कि बीते 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर में आयोजित हुई सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में सीनू ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में तथा ज्योति ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि सीनू का चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इसके अलावा बीते दिनों सिरसा में आयोजित हुई स्कूल नेशनल जूडो चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम में यश और 50 किलोग्राम में अधिक भार वर्ग में अरविंद, 66 किलोग्राम भार वर्ग में अभिनव तथा 73 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री विश्वकर्मा शिक्षा एवं कल्याण समिति के प्रधान अधिवक्ता राजेश जांगड़ा, वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति व अकादमी प्रधान सूर्य सैनी ने कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का परिचय देकर खुद को साबित करने का काम किया है। प्रतिभावान बच्चे जो जूडो में से संबंधित खेल खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में ये बच्चे मेडल लेके आए थे, यहाँ पर आकर बड़ी खुशी महसूस हुई इन बच्चों के बीच में, जिनमें एक जनून और जज्बा देखने को मिला। मैं अपने शब्दों में कोच साहब को, इस संस्था संचालक भाई सुरेश सैनी को और कोच साहब को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा और इन प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर ये गोल्ड मेडल हासिल किए। और भविष्य में मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी प्रकार से ये बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार से ये मेडल संस्था की झोली में डालेंगे, जिससे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। हम बार बार यहाँ आते रहेंगे। मैं विनोद कुमार प्रजापति, वार्ड 25 से पार्षद हूँ। मेरे को यहाँ महात्मा ज्योतिबाई फुले एकेडमी में बुलाया गया। यहाँ पर कोच साहब ने, संदीप तंवर जी ने बच्चों से मेहनत करवाई, बच्चे बड़ी लगन और मेहनत करके ये मेडल हासिल किए हैं। इसके लिए ये एकेडमी बधाई के पात्र है, कोच साहब बधाई के पात्र और बच्चे बधाई के पात्र है। और बच्चों से भी मेरी यही अपील है कि वो दिन रात अपनी मेहनत करे और एक टारगेट हासिल करे। जो भी टारगेट हासिल करेगा वो बच्चा जरूर पदक लाएगा। हमने ये कहा कि एकेडमी में कि जो भी मदद हमसे होगी, धन की, मन की, टारगेट बच्चे हासिल करे उनकी तन मन। संदीप तंवर, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी में जूडो कोच कार्यरत हूँ। हमारी 2 गुड़िया अभी 20 से 22 अक्टूबर तक सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप हुई थी, उसमें दोनों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसमें 70 kg में सीनू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। और हमें उम्मीद है कि ये वहाँ से भी मेडल लेके आएगी और देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। वहीं साथ साथ 17 से 19 अक्टूबर तक सिरसा में हुई स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में हमारे 4 खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल करके नेशनल के लिए अपना सिलेक्शन पक्का किया है, जो अभी नेक्स्ट मंथ में सब जूनियर का जम्मू कश्मीर में होगा 15 से 19 तारीख तक, जिसमें हमारे अकेडमी के खिलाड़ी यश और अरविंद
पार्टिसिपेट करेंगे भिवानी जिले के लिए। ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी में जूडो करती हूँ और मैं 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर यूपी में सीनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप में 44 केजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मेरे कोच का नाम संदीप तवर। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।